रोहान देखो हमने ना अपने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके फर्स्ट बर्थडे से पहले जरूर आपसे मिलने आएंगे, तो इसीलिए मैं गिरते पड़ते लड़ते मरते मैंने कहा तो मुझे आना ही पड़ेगा, आ गया तो फिर आना ही पड़ेगा, बस ऐसे ही दोस्ती हो जाती है। देखो हम सेफ टू सेफ, कैसे रोक दे रहा है तो हम पिछले डेढ़ दो घंटे ज्यादा हो गया, चार घंटे से बैठ के हम बात कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैं बोल रहा था कि अभी जिम जाऊंगा, मैं थोड़ी देर में जिम जाऊंगा, लेकिन आज मेरा जिम मिस है। बट बहुत वक्त के बाद मेरी मुलाकात बहुत वक्त के बाद हुई है और दीपिका तो बीच में का तो मिली है, ससुराल से मिलकर टू में सभा की शादी में मिले थे, बट किस तरीके से बैठ के पुरानी सारी बातें करना बहुत वक्त के बाद हुआ है, बहुत अच्छा लगा। नहीं बहुत मजा आया बहुत दिनों बाद इतनी सारी एक के बाद एक बातें, और ऐसे होते हैं जब भी हम लोग मिलते हैं तब ऐसा ही हो रहा है कि हमारी बातें खत्म नहीं होती एंड हम टॉपिक पे ऐसे जंप करते रहते हैं, पिछली बात रह जाती है, कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। पहली बार रोहान से मिलने आई दीपिका की माँ जी, आपने देखा होगा कि ससुराल सिमर का में दीपिका के साथ उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और दीपिका उन्हें माँ की तरह प्यार करती हैं। इनको जेटी के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो बहुत जल्द रोहान से मिलने जाने वाली हैं और वो दीपिका को बहुत ज्यादा मिस करती हैं। सभा की शादी में भी उनको देखा गया था, तो आपने देखा कि रोहान और जेटी जी ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं, ये देख कर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। जेटी जी का कहना था कि मैं रोहान के बर्थडे से पहले रोहान से मिलने जाना चाहती हूँ और उन्होंने अपना वादा निभाया और वो रोहान के बर्थडे से पहले रोहान से मिलने आ गई। लेकिन अब देखना ये है कि रोहान के फर्स्ट बर्थडे पर वो क्या गिफ्ट लेकर आई हैं या फिर बर्थडे में भी वो शामिल होने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बताने वाला है। और आपका ये कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में आ जाता है। अगर आप से जाना चाहते हैं वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।